जय हिंद दोस्तों, अनिल सारे टीचर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1664 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी दोस्तों, जिसका अभी तक 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए गए कैंडिडेट्स का आज फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यूनिट जो है अलॉट हो चुका है कि कौन से कैंडिडेट्स का एनसीआर प्रयागराज में कहां पर ज्वाइनिंग होने वाला है। पूरी जानकारी देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। रेलवे का एएलपी का फॉर्म अगर आपने भरा हुआ है तो अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको एएलपी का टेस्ट सीरीज मिलेगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2 भी, और साथ ही साथ अग्निवीर टेक्निकल का भी टेस्ट सीरीज अनिल सर आईटीआई ऐप पर आ चुका है। सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, सभी को जानकारी मिलते रहेगी। और भी कई सारी वैकेंसियां आई हुई हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जब जाइए करियर ऑप्शन में, तो इसका जो आपका लिंक है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा यूनिट अलॉटमेंट का, ठीक है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट डीवी के लिए गए थे तो अपना एक बार रिजल्ट जरूर चेक कर ले, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से जब यहां पर आइएगा तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पे सॉल्व करिए क्वेश्चन को और यहां पे सर्च करिए, ठीक है। तो आपको ये अलॉटमेंट नॉट अवेलेबल दिखाई दे, नहीं अलॉट हुआ है, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके देखते हैं किसी कैंडिडेट का। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट किए, इनको भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जो भी कुछ कैंडिडेट का नहीं हुआ है देखिएगा, तो लगातार हमने 2 कैंडिडेट का अलॉटमेंट देखा तो नहीं मिला हम लोग को किसी का। लेकिन ये देखिए कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम शुभम कुमार है, कैटेगरी ओबीसी है, मेल है, फीटर ट्रेड में ओबीसी में शॉर्टलिस्टेड हुआ, प्रयागराज इनको मिला हुआ है दोस्तों। इसी तरह से आपको देखिएगा तो हम यहाँ पर फिर से जाते हैं अन्य कैंडिडेट्स का, अगर आप रैंडमली चेक करिएगा यहाँ पर तो आपको देखने के लिए मिलेगा। हम देखते हैं, आपको तो अपना चेक करिएगा, हम देख लेते हैं कुछ कैंडिडेट्स का कि क्या क्या कहां पर सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए जे एच एस झांसी हुआ है इनका, इस कैंडिडेट का, ठीक है। और यहाँ प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पर क्लिक करेगा, ठीक है। प्रिंट करके आपको अपने पास रख लेना है ताकि आगे फर्दर जो ज्वाइनिंग होगा तो उसमें आपको काम पड़ेगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप मेरिट लिस्ट में आप या अपना देख लीजिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। और नीचे कमेंट करके जरूर देंगे कि आपका सिलेक्शन कौन सा यूनिट में हुआ है, ठीक है, कौन सा यूनिट आपको अलॉट हुआ है। देखिए तो प्रयागराज, इस तरह से सभी कैंडिडेट का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपना देख लीजिए आपके कहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पे सभी दिखाई दे रहे हैं, सभी चीजें, नाम, पिता का नाम, कैटेगरी फीमेल वेल्डर, ओबीसी कैटेगरी, और यहाँ पे प्रयागराज इनको मिला हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप देख पाएंगे। अब जो भी कैंडिडेट का ये सिलेक्शन हो चुका है वो आगे अब क्या करेंगे, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं अब उनका ज्वाइनिंग का इंतजार करें, ठीक है। यहाँ पे दिया गया देखने को मिलेगा आपको कि अप्रेंटिसशिप का लेटर भी है, आज ही जारी किया है कुछ देर पहले ही, जिसे बताया गया कि आपको देखिए सिलेक्शन हो चुका है, आपको जो भी यूनिट अलॉट हुआ है आप उसको चेक कर लीजिए अपना, और जहां पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है वहां से आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए आपको आगे सूचना दी जाएगी, ठीक है। कहाँ से सूचना आएगी, तो जिस भी यूनिट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस यूनिट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जैसे प्रयागराज आपका सिलेक्शन हुआ है तो प्रयागराज की तरफ से आपको लेटर आएगा, हो सकता है कि मेल आ जाए, हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आए, तो इस बार का तो कुछ कहना मुश्किल है कब कैसे आएगा, लेकिन आपको उम्मीद है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अपना मेल और पोस्ट ऑफिस डेली रेगुलर चेकआउट करिएगा, वहीं से आपको लेटर रिसीव कराएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, और आपने डीवी कराया था तो मेरे ख्याल से सभी का ज्वाइनिंग हो गया है, सभी को यूनिट अलॉट हो चुका है। अब इंतजार करें कि आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, कब तक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल से ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और एनसीआर प्रयागराज के रिगार्डिंग क्या जानकारी चाहिए। फिलहाल तो आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पासबुक अपना बनवा लीजिए, पासबुक है तो ठीक है, SBI में खाता खुला लीजिएगा, अदर भी बैंक में तो चलेगा, लेकिन नलाइज बैंक रहेगा तो ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है apprenticeshipindia.gov.in, अप्रेंटिसशिप इंडिया पर सब सही से KYC करके रखिएगा और सब सही देख लीजिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट अब ज्वाइनिंग करने जाते तब कहते हैं सर पिता का नाम हमने देखा नहीं, गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ हमने देखा नहीं, गलती हो गया, सर कैसे सुधारें, तो उस समय आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए पहले अपना चेकआउट कर लें और रेलवे ALPA का फॉर्म भरे हुए हैं तो आज ही जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, NIL Sir IT ऐप डाउनलोड करके। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।